ये देखो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ डॉक्टर बात्रा के पास, क्योंकि आज का मेरा अपॉइंटमेंट है और आज दूसरी बार जा रहा हूँ। पिछली बार भी गया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, और पिछली बार काफ़ी लेट हो गया था तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ। सो मुझे पहुँचना है, मतलब कि 12-1 बजे तक पहुँचना है, और फिर वहाँ से वापस लौटने के टाइम मेरा शो है जवान का, जो मैंने टिकट ले लिया है ऑलरेडी, वो 3:20 का है। सो वहाँ पर भी जाना है। सो फिलहाल मैं अभी हूँ रेलवे स्टेशन पर और वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। टिकट वगैरह मैंने ले लिया है और वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। ट्रेन जब आएगी फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। दोस्तों मेरा जो ट्रेन है वो छूट चुका है, क्योंकि जैसे मैं ये वीडियो बनाने के चक्कर में मैं जैसे गया वहाँ पर ट्रेन खुल चुकी थी, और ये वाली ट्रेन तो छूटी, ये भी छूट गई, ये भी जा रही है, तो दो ट्रेन छूट गई मेरी। अरे यार सब गड़बड़ हो गया, मैं दो ट्रेन छोड़ दिया, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में इधर मैं सोचा कि बंद करता हूँ कैमरा, पहले ट्रेन पकड़ता हूँ। जैसे ही बंद करके मैं जा रहा था ट्रेन खुल चुकी, और ये तो छूटी, उसके बगल में एक और थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो भी छूट गई। तो दो ट्रेन मेरे जा चुके हैं, अभी मुझे और वेट करना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। मेरा 15-20 मिनट वेस्ट हो गया है। तो चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अभी क्या बोल सकते हैं, इधर वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन छूट गया। सो गाइस, 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी थी, और उसके बाद मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ। तो मुझे यहाँ से अभी लगेगा 15 से 20 मिनट पैदल जाने में क्लिनिक के पास, तो मैं पैदल ही जाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम है मेरे पास। सो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ क्लिनिक, और मौसम काफ़ी अच्छा है, बट बारिश का ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो मैं छाता ऑलरेडी रखा हूँ, अगर कभी बारिश होता है तो मैं अपना छाता को इस्तेमाल करके पैदल ही जाऊँगा। ये देख सकते हो, ये है नज़ारा, काफ़ी अच्छा मौसम है, और पैदल जा रहा हूँ मैं अंदर अंदर। एक्चुअली रोड वहाँ से है, बट वहाँ से नहीं जा रहा हूँ, इधर से भी रास्ता है, और ये काफ़ी शांति एरिया है। सो इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो शो है जवान का, वो मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, बट उसका टाइमिंग जो है 3:20 में है। तो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 11 बज रहे हैं अभी, और मुझे क्लिनिक से वापस भी आना है, तो मुझे ये देखना होगा कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो मेरा शो छूट सकता है। एक्चुअली मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 7 बजे शाम को था, बट मैंने कल ही बोल के उसको चेंज करवाया। मैंने बोला मुझे मॉर्निंग में चाहिए क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप मॉर्निंग में आ जाओ, मतलब 12 से पहले आ जाओ या 1 बजे तक आ जाओ। मैं बोला फिर ठीक है मैं आता हूँ मॉर्निंग में। इसके लिए मैं अभी निकल गया हूँ, और 11 बज रहे हैं तो काफ़ी टाइम है मेरे पास ऐसा लग रहा है, बट क्लिनिक के अंदर अगर लाइन नहीं होगा तो जल्दी हो जाएगा। भाई रोड क्रॉस कर लें पहले, आगे से जाना है मुझे, वो है मेन रोड और वहाँ से जाना है, ये सीधे पकड़ के क्लिनिक। बस वगैरह भी जाती है, ऑटो वगैरह भी जाती है, बट उतना खास दूर नहीं है तो मैं पैदल जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं कोई ऑटो या बस नहीं करता हूँ, आराम से चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं पहुंच चुका हूं क्लिनिक के पास, और अभी जाऊंगा बिल्डिंग के अंदर। पिछली बार यहीं पे कन्फ्यूजन हुआ था, बट इस बार नहीं होने वाला। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं बिल्डिंग के नीचे हूं, और अभी जा रहा हूं क्लिनिक में। 4th फ्लोर पे है तो 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। पिछली बार हमको यहीं पर कन्फ्यूजन हुआ था, बिल्डिंग की समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इधर उधर का चक्कर काट रहा था, बट इस बार तो 2nd टाइम है तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं हुआ। सो चलो चलते हैं ऊपर। ये है चार नंबर, सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया क्लिनिक के पास, और अभी जा रहा हूँ क्लिनिक के अंदर। सो
सो गाइस, मेरा जो सेशन है आज का ख़त्म हो गया है और मैं जस्ट बाहर निकल रहा हूँ। सो मैंने डॉक्टर से दिखा लिया है और जो थेरेपी था वो थेरेपी भी ले लिया है मैंने, और दवा वगैरह ले कर फिर वापस जा रहा हूँ अभी। और अभी जाऊँगा मॉल, वहाँ पे जो शो है मेरा 3:20 का, तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी आई थिंक 1 बज रहा है, तो आराम आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। और काफ़ी अच्छा रहा डॉक्टर से मिल के। और ये देखो दोस्तों, ये क्या है, ये है बुक। क्या मस्त चीज़ है, बुक है और बुक के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। रोड क्रॉस करना है, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाइस, ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं मैं अपने मॉल के पास, जहां पे मैं शो देखने वाला हूं, जवान 3:20 का शो है। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, यहां से 10 मिनट का रास्ता और है और 10 मिनट पैदल लगेगा। यहां से मेरा मॉल दिख रहा है, तो मैं आ चुका हूं। और अभी देखते हैं, काफ़ी टाइम है तो क्या करता है मुझे पता नहीं है। सो चलो मिलते हैं आपको, पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किधर है मेरा मॉल। सो गाइस, ये है जो सामने दिख रहा है, ये वाला मॉल है आईनॉक्स, वहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर का, एक देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है आईनॉक्स, वहाँ पे है। सो आज जवान देख के ही छोड़ेंगे, पहले करता हूँ रोड क्रॉस, क्योंकि रोड क्रॉस करना ही बहुत टफ है यहाँ, और रोड क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये रहा गाइस मेरा मॉल, इसी के अंदर है थिएटर आईनॉक्स, और उसमें देखने वाला हूँ मैं आज शाहरुख खान की जवान, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो सबकी बात लगा के रखा है, सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सो आगे से भी रास्ता है आई थिंक, उधर से गया नहीं मैं कभी, बट उधर से ही जाऊँगा। पता नहीं क्यों मैं इतना जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए, और काफ़ी टाइम है अभी, फिर भी मैं काफ़ी जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। बट एनीवे, देखते हैं, पहले पहुँचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे इधर उधर, उसके बाद टाइम हो जाएगा तो चले जाएंगे। और मैं पहुँच चुका हूँ मॉल के पास, यहाँ पोस्टर दिख रहा है काफ़ी सारे लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, और काफ़ी मज़ा आएगा देख के। टिकट नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है भाई। देखो ये रहा, ये रहा मॉल, और यहाँ पे लगा हुआ है जवान का, ये देखो, और भी बहुत सारे लगे हुए पोस्टर, बट इधर जो फर्स्ट वाला ये जवान का है, और आगे से इसका जो एंट्री है आगे से, तो चलते हैं पहले आगे और आगे से लेंगे एंट्री मॉल के अंदर। भाई ये किसकी बाइक है, काफ़ी अच्छी बाइक है। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया मॉल के पास, और अभी हो रहे हैं 2:30, और मुझे जाना है 3:20 में, मेरा 3:20 का शो है, तो अभी काफ़ी टाइम है, बट मैं बाहर में हूं और धूप लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूं अंदर ही चला जाऊं, मॉल के अंदर ही रहूंगा। सो अभी 1 घंटा टाइम है और मैं जा रहा हूं मॉल के अंदर, और उधर ही रहूंगा, इधर उधर टाइम पास हो जाएगा, और उसके बाद जाऊँगा देखने के लिए जवान। सो चलो चलते हैं मॉल के अंदर, बाहर रह के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत धूप है बाहर में। इसमें मोस्टली लोग जो जा रहे हैं वो जवान देखने के लिए ही जा रहे हैं। सो चलो मैं भी चलता हूँ अभी, मैं भी बाहर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइस, मैं आ गया मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर जो लोग हैं वो जवान देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ लग रहा है, काफ़ी भीड़ है। ऊपर में है, सबसे ऊपर आईनॉक्स लिखा हुआ है, उसमें जाना है, बट फिलहाल मैं बाहर हूँ और अभी मैं वेट करूँगा क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ आईनॉक्स थिएटर और मूवी देखने के लिए जवान, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और लोग जो हैं काफ़ी एक्साइटेड देखने के लिए जवान मूवी, और मैं पहुँच चुका हूँ टाइमली, और अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। टाइम अभी 2:50 मोबाइल में कितना आ रहा है, मोबाइल में कितना हो रहा है, मोबाइल में 2:50 कितने बजे का शो है आपका, 5:20 का है, 5:20 से बहुत टाइम है, वही तो बोल रहा हूँ, मोबाइल बंद हो रहा है मेरा, तो मोबाइल चार्जिंग है क्या मोबाइल। हाँ देखो, मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये रहा
आईनॉक्स और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, अभी मैं हूँ यहाँ पे। ये रहा नीचे, नीचे का नज़ारा। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ मूवी देख के बाहर, और मुझे मूवी बहुत ही पसंद आई। जवान मूवी काफ़ी अच्छी थी मूवी, और मज़ा आ गया देख के। सो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि शाम हो गया है, अंधेरा हो रहा है और भूख भी लगी है काफ़ी तेज। तो पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।